गाइस हम हो चुके हैं नहा के रेडी और अब हम जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अभी मेरे बाल नहीं खींचे पर मैंने इसे तो गाइज हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और हम खाने का वेट कर रहे हैं। अभी हमारा खाना आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या क्या मंगाया है। बेबी तो गाइज हमने खाना खा लिया है और खाना जितना भी सिंपल मंगाओ बट हैवी तो बन जाता है। इसलिए हम सीढ़ी से आ रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। फाइनली चलते चलते पहुंच गए हम अपने सेकेंड फ्लोर पे। अभी बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है जो कि आप देख सकते हो। अब हम करने वाले हैं थोड़ी देर रेस्ट और जैसे ही धूप कम होगी फिर हम जाएंगे मंदिर। हाय गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ और हम नहा के रेडी भी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ अभी और अब आई है हमारे रूम में चाय। एंड ये है हमारी चाय। तो गाइस ये है मेरे ड्रेस का पूरा लुक देख सकते हो। ये वाला कुर्ता पुराना कुर्ता है जो कि मैं जयपुर से लेके आई थी और उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। एंड ये वाली मेरी स्लीपर है जो भी मैं जयपुर से ही लेके आई थी। तो गाइस अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। तो गाइज हम महाकाल जी के मंदिर के पास पहुंच चुके थे जो कि आप देख सकते हैं कि ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहीं से हमें अंदर जाना है। तो जब हम बाहर थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी बट जैसे ही हमने मंदिर के अंदर एंटर किया तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी मंदिर में। मंदिर में महाकाल जी की आरती भी स्टार्ट हो गई थी इसीलिए हम जहाँ पे थे हमें वहीं पर रोक दिया गया। और ये सबसे अच्छी बात हो गई कि जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पर सामने ही स्क्रीन थी और हमने महाकाल जी की आरती स्क्रीन से ही अटेंड कर ली। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरे उज्जैन के ब्लॉग अच्छे लग रहे हो। अगर आगे के ब्लॉग आप लोगों को चाहिए तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे के ब्लॉग जल्दी मिल सके। बाय गाइस।